हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम के एक नए हैक के बारे में बताने वाला हूँ। सो जैसा कि आप जानते हो कि इंस्टाग्राम में बहुत सारी कस्टमाइज सेटिंग्स होती है, आपको रीचेस बढ़ाने के लिए आपको पोस्ट डालना पड़ता है, रील्स डालना पड़ता है या स्टोरी डालनी पड़ती है, IGTV वीडियो पे आपको जो है पब्लिश करना पड़ता है। तो इतना सारा कुछ है अगर आपको आपकी रीच या एग्जिस्टेंस दिखानी है ऑनलाइन मीडिया में, जैसे सोशल मीडिया में। सो इंस्टाग्राम आपके लिए एक बेस्ट है, एक सोर्स है, बेस्ट एप्लीकेशन है, बट उसी के चलते आपको जो है इसकी फुल कस्टमाइज्ड सेटिंग करनी पड़ती है। सो अगर आपने मेरे चैनल पर देखा होगा तो ऑलमोस्ट मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हो बायो के रिलेटेड है और बहुत सारे ऐसे कस्टम सेटिंग्स हैं जहाँ पर मैंने शेयरिंग लाइक स्टोरी रील्स रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी अपलोड की हुई है। तो आप देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है एक सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम जो है उसको किस तरीके से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और देखिए, ध्यान से सुनिए, ये बात मैं जो बता रहा हूँ आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक के चलते अलग अलग मीडिया में भी एक्टिव हो सकोगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आप कनेक्ट कर सकोगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने अपने प्रोफाइल पर सिलेक्ट कर लिया है, तो ये देखिए ये मेरा प्रोफाइल है, आप आके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, टॉप राइट पे ये आपको 3 lines दिखाई देगा। अगर आपका मोबाइल वर्जन या इंस्टाग्राम का वर्जन अलग है तो ये आपको बॉटम पे भी दिखाई दे सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। सो मोस्टली टॉप राइट पे ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है, देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे सेटिंग्स में जब भी आप आओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप अकाउंट के सेक्शन में चले जाइए। अकाउंट के सेक्शन में अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे हो मेरी तरह, तो आप डेडिकेटेड एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस सेटिंग्स को फॉलो करिएगा। तो उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे शेयरिंग टू अदर ऐप्स, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अगर आपका जो है बिजनेस अकाउंट है इस केस में, तो आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिखाई देता है। तो मेरा एक बिजनेस अकाउंट भी है, वहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है। तो फिलहाल ये जो है ब्लैंक है ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैंने आपको डेमो के लिए ये जो है अकाउंट यूज़ करके बताया है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फेसबुक से ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट को अटैच कर दिया है। सो आपके जितने भी पेजेस हैं आप रिस्पेक्टेड अकाउंट के साथ उस फेसबुक के अकाउंट या पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो यहाँ पर जो मैंने डाला है करंटली ये एक पेज डाला है, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं मेरे मेन अकाउंट को भी डाल सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। और ट्विटर पे अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आपका अगर कोई चैनल है या आपका इंस्टाग्राम पे कोई पेज है जहाँ पे मतलब अकाउंट है जहाँ पे आप अपना बिजनेस रिलेटेड कुछ कर रहे हो, या फिर कोई भी लाइक ऐसा फूड रिलेटेड है या ब्लॉग रिलेटेड है, और अगर वही चीज़ सेम चीज़ जो है आपने मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बनाया है, तो उस चीज़ को आप ऑथोराइज करके कनेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो इसको आप ऑथोराइज कर लीजिएगा, उसके बाद कनेक्ट कर लीजिएगा। सेम अगर आप टम्बलर प्लेटफॉर्म पर देखिए, मोस्टली जो है लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टम्बलर पर जो है एक्टिव होते हैं। इनके अलावा यहाँ पे आप अमीबा और ओकेरू देख सकते हो, लेकिन ठीक है, ये चीज़ को अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप करिए कनेक्ट। देखिए इसका एडवांटेज बिल्कुल है, जब भी आप कोई चीज़ स्टोरी या फिर जो भी आप जो है फीड जो होता है आपका पोस्ट होता है वो अगर आप अपलोड करते हो, तो वो साइड बाय साइड जो है यहाँ पे ऐप जो है उसकी परमिशन लेता है और वहाँ पर भी जो है अपलोड कर देता है। तो आपको जो है एक ही ऐप के थ्रू आप मल्टीपल जगह पर एक्टिव हो सकते हो एट अ सेम टाइम, और आपको उससे रीच भी ज़्यादा मिलेगी। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो आपको यहाँ पे शेयरिंग टू अदर ऐप्स पे आके ये सारी चीज़ को कनेक्ट कर लेना है। जितना आपका एप्लीकेशन फुल्ली कनेक्टेड, प्रोफाइल आपका कंप्लीट होगा, उतना इंस्टाग्राम आपको एक लेजिटिमेट यूज़र समझता है। और आपकी दी गई फीड या पोस्ट अगर आप कंसिस्टेंसी अपलोड कर रहे हो, तो आप एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको जो है ज़्यादा पुश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड बहुत कुछ जानना है, या फिर आप टेक्नोलॉजी या मोबाइल एंथुसियास्टिक्स हो, तो आप जो है मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर डेफिनेटली आप अगर मेरी बात से सेटिस्फाइड हो तो। सो आई होप गाइस कि मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताई है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करें। और बिफोर गोइंग, प्लीज़ हिट लाइक बटन, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बिंदास कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।